Hello, beautiful divine souls. Today I'm here in front of you to tell you about the benefits of Angel Healing Workshop. What you are going to get in this Angel Healing Workshop, what is going to happen during these days. The very first thing you'll get to know, you'll awaken yourself actually, within yourself, mentally, physically, and spiritually. It means आप अपना potential जानोगे कि what is your capacity that you can heal yourself, you can heal your loved ones, you can help others, you can help yourself also. Through this workshop, you'll get to know this. Secondly, I always say, like, I'm a religious person, or she says she is a religious person, but then also there is a bridge between God and me, because somehow we are God fearing person, we are not God loving person. जब आप ये angel workshop कर लेंगे, angel healing workshop करेंगे, आपका जो bridge है ना, divine के साथ जो connection है ना, वो सीधा directly कराएंगे angels आपका. आप तब God fearing person नहीं होंगे, आप God loving person बनोगे. And that is the main point of this workshop. It connects directly to the divine. Now, angels will come in your life. They'll help you to manifest the things yourself, and you will create miracles yourself. आप खुद manifest करोगे और लोगों के अपनी जिंदगी में तो miracles करोगे ही करोगे और लोगों की जिंदगी में भी miracles होंगे through you. So they are going to help you, that you are going to manifest yourself, miracles in your life. Angels आपको inspire करेंगे, आपको guide करेंगे, step by step. आपको मतलब you'll feel that somebody is there with you every time. They'll guide you like anything. You just need to ask them. आपकी जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं, वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगी थ्रू दिस एंजल हीलिंग वर्कशॉप. बट यू नीड टू ट्रस्ट देम. दैट्स आई ऑलवेज से दिस. अगर समटाइम्स मतलब इस वर्कशॉप से पहले अगर आपको लगेगा कि मेरा क्या है लाइफ का पर्पस, आई डोंट नो, यू नो, सम पीपल हैव आर इन डिलेमा कि मेरे लाइफ का पर्पस मुझे पता नहीं है, तो इस एंजल वर्कशॉप के थ्रू आप एंजल्स को बुलाकर आप अपने लाइफ का पर्पस उनसे पता लगवा सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी टू फाइंड माय लाइफ पर्पस. व्हाट इज माय लाइफ पर्पस? दे विल हेल्प यू आउट टू गेट योर लाइफ पर्पस. आई ऑलवेज से कॉल देम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. जब कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, आप बहुत क्रूशियल पीरियड में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट कॉल देम. ऑलवेज उनको इन्वोक कीजिए, उनको ये कहिए प्लीज कम हेल्प मी. वो आप उनको बुलाएंगे ना, दे शॉवर देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू लाइक एनी थिंग. आई एम टेलिंग इट टू यू. लाइक आप कई बार क्या होता है, लाइक समटाइम्स मैं कुछ चीज़ रख के भूल जाती हूँ. समटाइम्स आई फॉरगेट, आई कीप द थिंग्स एंड आई फॉरगेट इट. या फिर मैं कभी डिलेमा में होती हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, या किसी करियर को लेके, या किसी रिलेशनशिप को लेके, या अपने बिजनेस को लेके, तो आप उनसे हेल्प मांगिए. कॉल देम फॉर हेल्प कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी. वो आपको इसमें आपकी वो हेल्प करेंगे. उनको बुलाइए. अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉल देम, दे विल सॉर्ट इट आउट लाइक एनीथिंग. आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली कि वो सॉर्ट आउट हो भी गया. और आपको आपको जस्टिस भी दिलाएंगे, सबसे बड़ी बात. फिर उसके बाद आप एंजल मेडिटेशन के थ्रू आप अपने बैलेंस करते हैं, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने सोल को. आप तीनों चीज़ों को एंजल मेडिटेशन के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, अपने चक्रास का कोऑर्डिनेशन करते हैं. ये सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन जब लाइफ में होना शुरू हो जाता है ना, तो लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता है आपको.
एंजल थेरेपीज जो होती हैं आपको काम रखेंगी. कब काम रखेंगी? लाइक आपको सपोज कीजिए आपको घर शिफ्ट करना है. You are trying to shift a house, but you are very scared कि अब ये सारा काम कैसे होगा, मैं सारी पैकिंग कैसे करूँगी, वहाँ पर जाएंगे कैसे, सब अच्छे से हो जाए. ये बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में उस समय होती हैं. आपको एंजल्स को बुलाइए, एंजल्स को प्रे कीजिए कि ये सब काम मेरा बहुत अच्छे से हो जाए. और आप मानेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे से स्मूदली आपका सारा काम हो जाएगा. लाइक सपोज हमारे लाइफ में बहुत से डिलेमास आ जाते हैं. लाइक कुछ पार्टनर्स हैं, सेपरेट होने की सोचते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, दे वांट द डिवोर्स, और देयर सो मेनी थिंग्स उनके माइंड में होती हैं. आप उनको बुलाइए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी एंजल्स को बुलाइए. आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, शुड आई गो हैड और शुड आई कम बैक, वॉट एवर इट इज, दिल गाइड यू, दिल शो यू दिस, दिल शो यू देयर प्रेजेंस. वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, आपका आंसर देंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है. सो आई वुड रियली सजेस्ट यू दैट दिस इज द एंजल हीलिंग वर्कशॉप. एंड आप अगर ये वर्कशॉप कर रहे हैं तो यू आर रियली ब्लेस्ड. आप बहुत ब्लेस्ड हैं. एंजल्स ने आपको खुद कॉल किया है ये हीलिंग वर्कशॉप के लिए. सो आई पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच. मेनी ब्लेसिंग्स, एंजल्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच.